অলিম্পিকের খেলা দেখানো হতো, তখন ততটা বুঝতাম না। অলিম্পিকে অনেক ধরনের খেলা থাকে, কোন একটা জিনিসের উপর নির্ভরশীলতা থাকাটা ভালো না। আমার স্পোর্টস ইভেন্ট হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায়। স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে। আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে গোল্ড ফর ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য টোকিও অলিম্পিক্স, নীরাজ চোপড়া উইন্স অ্যান্ড ক্রিয়েটস হিস্টোরি অ্যাট জুবলিন থ্রো ইভেন্ট। তার মানে বুঝতেই পারছো যে টোকিও অলিম্পিকের যে বিষয়গুলো এগুলোর সঙ্গে আরও কিছু সম্পর্কিত। আমার মাঝে মনে হচ্ছে যে এখানে নীরজ চোপড়া যিনি, উনি কোনো কিছু গোল্ড মেডেল পেয়েছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, পিছনে হিস্ট্রি নিয়ে তো কথা বলবে। হ্যাঁ, হতে পারে সবকিছু মিলায়। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারবেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি। So finally, यहाँ पे हमको गोल्ड मिल चुका है। इंडिया हैज वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, और ये अचीव किया है हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे आप देखोगे ये बन गए हैं आज के समय सेकेंड एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। देखो, हमने ओलंपिक की हिस्ट्री में इनका गोल्ड मिला के टोटल जीते हैं 10 गोल्ड। उनमें से ज्यादातर जो गोल्ड है वो लाई थी हॉकी टीम इन अर्ली 1950s एंड 1960s। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मतलब के एक आदमी एक गोल्ड मेडल लेके आए, ये इंडिया की हिस्ट्री में बस दो बार हुआ है। पहली बार हुआ था 2008 में ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स, जब अभिनव बिंद्रा जीत के लाए थे एक स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में, जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और देखो, इनकी जीत बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल टेबल में इंडिया की रैंक इंप्रूव करेगी, वो सब अभी आपको दिखाऊंगा। मगर मेरा मानना है कि इनकी जीत सिर्फ इन ओलंपिक्स तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। इनको देखकर जिस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सब ऑब्जर्व करके भारत में हजारों लाखों बच्चे हैं जो सपना देखेंगे कि कल को वो भी इसी तरीके से एथलेटिक्स में भारत के लिए लेके आएंगे गोल्ड। हर कोई यहाँ पर होपफुली, मैं उम्मीद करता हूँ, अब यही सपना नहीं देखेगा कि मैं विराट कोहली बनूंगा या फिर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर बनूंगा। लोग यहाँ पे सपना देखेंगे कि एथलेटिक्स ये भी एक रिमार्केबल स्पोर्ट है, यहाँ पर भी मैं नाम कमा सकता हूँ और भारत का नाम रोशन कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से बहुत ही, मैं कहूँगा, बड़े स्केल पर पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया है नीरज चोपड़ा का। इट वॉज रिमार्केबल टू सी। लोग भूल गए कोई टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड में इस वक्त, लोग भूल गए कि कोई अभी वहाँ पे इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है। एवरी वन वॉज फोकस्ड ऑन नीरज चोपड़ा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी एक पुरानी वीडियो भी देखी होगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो। यहाँ पे मैंने समझाया था कि जैवलिन थ्रो एज ए स्पोर्ट कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे रूल्स क्या है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो पाकिस्तान ये एथलीट है अरशद नदीम, क्या ये यहाँ पर मेडल जीत पाए? तो इसका आंसर है नहीं। पाकिस्तान 29 ईयर से एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया। और उस कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जो इंतजार है अब 4 साल और ज़रा बढ़ जाएगा तो 33 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को विदाउट एन ओलंपिक मेडल। अरशद नदीम ने कोशिश यहाँ पर अच्छी करी, उनका बेस्ट था 84.62 मीटर, मगर ये चेक रिपब्लिक के एथलीट को नहीं बीट कर पाए और इन्होंने यहाँ पर फिनिश किया है एट रैंक 5th। गोल्ड मिला है भारत को, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है चेक रिपब्लिक के एथलीट्स ने। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियाई देश है और चेक रिपब्लिक 1 करोड़ की आबादी का एक यूरोपियाई देश है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें। और अब मुझे बताएं, आप सब लोग पूछेंगे ठीक है सर ये चेक रिपब्लिक वगैरह ये सब हटाओ, भारत की रैंक क्या है? गोल्ड आ गया, अब हम कहाँ पे हैं? बजरंग पुनिया भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आए, हॉकी मेंस टीम भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आई, अब हम ओवरऑल कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, अब हम टॉप 50 में आ चुके हैं। ये भारत के बेस्ट एवर ओलंपिक्स हैं। भारत के इतिहास में हमने आज तक 7 मेडल कभी भी नहीं जीते इन एन ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक्स हिस्टोरिक है यहाँ पे भारत के लिए। टारगेट था 15 का, शूटिंग इवेंट देखिए वो इतना बढ़िया गया नहीं जैसे हमने सोचा था। कुछ और इवेंट्स में हमको मेडल की उम्मीद थी, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो इट इज़ ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है यहाँ पर, मगर कई देशों से आज के समय हम आगे हैं, इजिप्ट से आगे हैं, साउथ अफ्रीका से आगे हैं, अर्जेंटीना, फिनलैंड,
बहुत से कंट्री से आज के समय हमारा प्यारा भारत आगे है और टॉप 50 में तो एटलीस्ट हमने यहाँ पर जगह बना ली है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर और मेडल ला सकते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी अब लिमिटेड है क्योंकि कल 8 अगस्त को ये ओलंपिक इवेंट हो जाएगा। आज 7 तारीख है, कल का आखिरी दिन है इसका, इसके बाद कोई खास मेडल की इतनी उम्मीद है नहीं। सो ओवरऑल हमारे 7 मेडल्स ही यहाँ पर आ पाएंगे, मगर टॉप पे यहाँ पर देखिए चाइना 38 गोल्ड मेडल। चाइना ने यहाँ पर यूएस, जापान सबको यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली बीट किया है। अब ये लोग ऑल टुगेदर डोमिनेट कर रहे हैं इन ओलंपिक्स को और इन दी एंड देखिए मैं ये कहूँगा आने वाले 10 साल में भारत का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए टॉप 10 में जगह बनानी है। मुश्किल नहीं है, जरा मुश्किल नहीं है, 8 गोल्ड लाने हैं बस। यहाँ पे आप अगर देखोगे फ्रांस के टोटल 7 गोल्ड हैं, अगर हमारे 8 गोल्ड होते तो रैंक 10 पे हम होते, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए इन द टॉप 10 ऑफ द मेडल टैली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और कमिंग बैक टू नीरज चोपड़ा विन, देखिए ये विन खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब एक इंडियन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में, ये बहुत सारा खास बात है। देखिए अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता था 2008 में इन शूटिंग इवेंट, तो स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स में पहली बार है जब हमने यहाँ पर जीता है गोल्ड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे उस जर्मन का क्या हुआ, जोहानस वेटर, सब लोग कह रहे थे वेटर जीत जाएगा, वेटर तो 90 मीटर्स का थ्रो करता है, तो वेटर तो 90 थ्रो करते थे, इनको क्या हो गया। देखिए इनकी फॉर्म बहुत ज़रा ख़राब चल रही थी और टू बी ऑनेस्ट मैं इनको लेकर कभी इतना कंसर्न था नहीं, लोगों ने काफ़ी इनको हाइप कर दिया था। मुझे थोड़ा डिटेल में बता था कि ओलंपिक्स में परफॉर्म करते नहीं है। आप अगर वैसे देखो वटर का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है ये काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था 2017-18 के आसपास, उसके बाद से कोई खास इन्होंने मेडल जीता नहीं है और ओलंपिक्स की जब भी बारी आती है तब पता नहीं क्यों इनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है। आप अगर 2016 के रियो ओलंपिक्स देखो तब भी कोई मेडल नहीं आया, इस बार भी कोई मेडल लेके नहीं आए। तो वेटर देखिए अपने आप में आई थिंक जब इनका दिन होता है तो बिल्कुल 90 मीटर्स के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, कमाल के एथलीट हैं नो डाउट अबाउट दैट, मगर ओलंपिक मेडल मटेरियल अभी के लिए है नहीं ये। और 28 इयर्स के वैसे ही हो गए हैं, अब 4 साल बीत जाएंगे 32 साल के हो जाएंगे, तो और इनके लिए मुश्किल होने वाला है आने वाले 4 साल में एक ओलंपिक मेडल जीत के लाना। मगर वैसे मैं आपको बताऊं तो वेटर और नीरज चोपड़ा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं ऑफ फील्ड, मैंने इनके इंटरव्यू भी देखे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर डेफिनेटली जो कमेंटेटर्स थे ये भी काफ़ी हद तक शॉक लग रहे थे कि जो फेवरेट थे इस इवेंट में वेटर, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और आप अगर लिस्ट देखो तो वेटर का बेस्ट था इस इवेंट में 82.52 मीटर, यहाँ पर आप देख पाओगे, जबकि नीरज चोपड़ा का यहाँ पर बेस्ट था 87.58 मीटर। तो यही कहूँगा इट वाज नॉट हिज डे, और नीरज चोपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले ओलंपिक्स में भी भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक लेके आए, ही इज़ ओनली गोइंग टू गेट बेटर। 27 साल की उम्र में अपनी ये परफॉर्मेंस की पीक पे होंगे तो अभी ये और ज़रा शाइन करेंगे, ही विल ब्रिंग मोर गोल्ड फॉर इंडिया। চোপড়া এবার গোল্ড মেডেল পেয়েছে এবার যে অলিম্পিক হলো টোকিওতে সেটাতে। তো ছোটবেলা থেকে আমরা অলিম্পিক দেখতাম, বিটিভিতে যখন অলিম্পিকের খেলা দেখানো হতো তখন ততটা বুঝতাম না, তো ডে বাই ডে যখন বুঝতে পারলাম যে আসলে অলিম্পিকে অনেক ধরনের খেলা থাকে, হ্যাঁ এটাকে বলে যে শারীরিক কসরত সহ অ্যাথলেটিক বিভিন্ন ধরনের, তো সবাই ক্রিকেট ফুটবলের পিছনে ছুটছে, এর পাশাপাশি কিন্তু অ্যাথলেট যে একটা সাবজেক্ট আছে এটা নিয়ে কিন্তু আমরা আসলে ওইভাবে থিঙ্ক করি না। ইন্ডিয়া চাচ্ছে যে তাদের যে ফুটবল বা ক্রিকেটের যে খেলাগুলো এই এগুলোর উপরে মানুষের যে আকর্ষণটা আছে সেটাকে সেটা পাশাপাশি থাকবে, বাট সাথে অন্যান্য খেলা যেগুলো আছে সেগুলোর গুরুত্বটাও মানুষের কাছে তুলে ধরা, যাতে অন্যান্য খেলাতেও তারা এগিয়ে থাকতে পারে। যেমন ক্রিকেটে তারা এগিয়ে আছে, ফুটবলে অনেকটা তারা বিভিন্ন জায়গায় খেলে, তো বিভিন্ন ধরনের যে অলিম্পিক্স গেমগুলো যেগুলো আছে এগুলোতে তারা কিন্তু আসলে ওইভাবে শাইন করেনি, যার কারণে তারা চাচ্ছে যে এগুলো তাদের মানুষের মধ্যে যাতে পপুলারিটি বাড়ে সেটা বাড়ানোর জন্য এবং প্লেয়ার বানানোর জন্য এটা একটা দিক হবে যে উনি যখন স্বর্ণটা জিতেছে তখন কিছু মানুষ তো দেখে এগুলো অ্যাপ্রিশিয়েট করবে এবং পছন্দ করবে খেলবে, এটাই ওনার মূল ভিডিওতে বলতে চেয়েছে যে ওনার খেলাটা দেখে বাকি অনেক অন্য অনেকেই এটা শিখতে চাইবে এবং আগ্রহ নিয়ে এটা করবে আর কি এই কাজটা। তো এটা একটা ভালো দিক, কারণ যে কোনো একটা জিনিসের উপর নির্ভরশীলতা থাকাটা কিন্তু ভালো না আমার কাছে মনে হয়, যে আরও অনেক অন্য অনেক দিকেই স্টুডেন্টদেরকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায়,
তো সেটা একটা বিষয়, কারণ সবাই যদি ক্রিকেট খেলে তাহলে বাকি খেলাগুলো কি করবে? আর বাকি খেলাগুলোর জন্য যেহেতু স্পোর্টস ইভেন্ট হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায়, তো সেই সব খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই প্লেয়ার প্রয়োজন, এবং এই প্লেয়ারদেরকে আকর্ষণ করার জন্য এরকম যারা আছে শীর্ষস্থানীয় তারা যদি এরকম মেডেল নিয়ে আসতে পারে তখন কিন্তু বাকি যারা পিছনে আছে তারা অনুপ্রেরণা পাবে, না আমিও তাহলে মেডেল নিয়ে আসি। সেটাই, আর এটাতে এটা এমনও না যে যেমন ক্রিকেট খেলা বিভিন্ন দেশের মধ্যে হয়, এটাও কিন্তু পরবর্তীতে খেলা চলতেই থাকে, অনেক দেশের মধ্যে ইভেন্ট হয়। তো জার্মানি যে ভদ্রলোক এর আগে জিতেছে, এখন মনে হয় উনি এবছর জিততে পারেনি, তো আমার কাছে মনে হয় যে তারা কিন্তু ভিতরে ভিতরে বন্ধু এবং খেলা করে একসঙ্গে, যার কারণে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তো এরকম যদি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের খেলা হয় তাদের পারফরমেন্সের ইম্প্রুভমেন্ট হবে, প্লাস হচ্ছে যে এই ব্যাপারগুলো মানুষ আরও বেশি জানবে অবশ্যই। আর আজকের এই ভিডিওতে আমাদের রিয়েকশনটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।